हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीमा ब्लॉग। और आई होप आप लोग सब लोग ठीक है। क्या कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप से टूल लेके रखा हुआ है। कुछ फाइल्स ट्रांसफर कर रहा हूँ। अच्छा, एडिट के लिए? नहीं नहीं, कुछ और चीज है, काम कर लिया। हमेशा एडिट थोड़ी ना करता रहूंगा। तो एडिट के लिए कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि इनको गोप्रो में हम बार बार शूट कर रहे हैं ना। हाँ। तो मैं तो एडिटिंग कर लेता हूँ इसमें, लैपटॉप में ट्रांसफर करके फिर अपने फोन में ले लेता हूँ। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सपोज मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो उस टाइम ब्लॉग शूट करनी होती है, तो यू नो शी हैज टू एडिट, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं इनके लिए कुछ फोन वगैरह परचेज करना चाहता हूँ जिसका कैमरा क्वालिटी सही है। मुझे एक अच्छी फोन चाहिए जो कि मैं खुद एडिट कर सकूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए कि कौन सा फोन अच्छा है कि जिसका कैमरा क्वालिटी सही है गोप्रो के इक्विवेलेंट। तो मुझे आईफोन 11 ही अभी तक ऐसा लगा, या 12 अच्छा ऐसा लगा कि जो कि हाँ इसका इक्विवेलेंट है, बट उसका उतना बजट नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। तो अभी और भी देखिए, वन प्लस वगैरह, ओप्पो रेनो, ये सब देखिए। ये इतना घूमने फिरने में पैसा वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए अभी हम फिलहाल हमारे हाथ में खाली है। सही बात है, हम बहुत पैसा उड़ा देते हैं। सही है। लेकिन वो हमारे ब्लॉगिंग सॉरी वो ट्रैवलिंग चैनल पे आपको दिखेगा कि हाँ कि पैसा स्पेंड यू नो वेस्ट नहीं किया है। हाँ, वेस्ट नहीं किया, हमने अपनी लाइफ एंजॉय की है। सही से पैसा तो आते जाते रहेगा ना, लेकिन ये जो उम्र है ये कभी वापस नहीं आएगी। आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो इस व्लॉग के द्वारा कि हाँ कौन सा फोन लेना चाहिए विच इज लाइक बेस्ट फॉर व्लॉगिंग, बिकॉज अगर मैं ना रहा तो इनके लिए तो सही रहेगा, कम से कम ये तो एडिट कर पाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इतना अपने एक्सपीरियंस के साथ बता देंगे हाँ ये फोन व्लॉगिंग के लिए सही रहेगा। क्योंकि आई एम रियली कंफ्यूज, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बोलते हैं कि ये सही है वो सही है। किसका माने? मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ये रेडी है, क्योंकि इसमें दो के लिए और एक जन के लिए मैं बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं चाय तो पीती हूँ, मैं क्विट करने का सोच रहा हूँ। आप चाय पिला पिला के मेरे को फिर मेरा आदत बिगाड़ रहे हो। थोड़ा पी लीजिए, अभी मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा पी लीजिए। एंड्रियास का शक्ल दुखी वाला है। अब दुखी है जैसे वो स्नैपचैट का नया ऐप वो निकला ना फिल्टर, हंसने से भी दुख। बाप रे, इतना टेम्परेचर करके रखा हुआ है इसका। ये अपना भाई के साथ जा रहा है जो कि उसका आज इंटरव्यू है, तो वहाँ पे जा रहा है। वैसे आज आपका क्या इंटरव्यू है? आज वही रेगुलर इंटरव्यू, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है तो वॉक इन पे जाता हूँ। जरूर, इसको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट जरूर होगा। सो अभी हम लोग जाएंगे। कंफ्यूज है उस दिन की तरह, क्योंकि हमें बताने वाले कोई नहीं है, तो हम लोग खुद अपना से ढूंढ के मतलब जा रहा है। तो आगे आगे बता रहे आगे बता रहे हैं, पता चल गया है फोर मांगला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर मांगला। ढूंढ रहे, हमें नहीं मिल रहा है, तो इधर आगे जाके देखते हैं, इसे पूछ के देखते हैं। एंड्रियास वैसे लोकेशन कार्ड यही दिखा रहा है ना। यही है, यही है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में अभी ये भाई जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो मैं इसको वेट करेंगे। अंड्रे सब जा रही हूँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं इधर वेट कर रही हूँ। अंड्रे उस पर अंडर चला गया है, सो मैं अभी इधर बाहर में वेट करूँगी। हो गया, एंड्रियास भाई का इंटरव्यू हो चुका है, पर कैसा हुआ ये अभी बताएंगे। तो इंटरव्यू अच्छा ही था। हाँ। थोड़ा टाइम पहले बैठना पड़ा, उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू हो गया, बिकॉज ये वॉकिंग था। हाँ। तो वॉकिंग में क्या होता है कि इंटरव्यू साथों साथ हो जाता है। हाँ। उन्होंने कहा है कि जो भी होगा ईमेल में पता चल जाएगा। ओके, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो देखते हैं, अभी हम लोग चलते हैं। ये फॉर्म मॉल नहीं है, नहीं, ये कुछ और मॉल है। ये देखो, इसमें हाँ। कुछ और लिखा हुआ है। नेक्सस फॉर्म मॉल है। तो
अभी एंड्रियास का इंटरव्यू तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पे एक हम लोग को सामने दिख रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये घर मतलब ये सोसाइटी है, मैं हमेशा जब भी यहाँ से ट्रैवल करती है तो मुझे ये सोसाइटी दिखाई देता है, बहुत अच्छा है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे जा रहे हो, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, अभी बहुत गर्म है, हम लोग इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता इतना धूप होगा, क्योंकि आज इतना धूप है और इतना गर्म है, मेरा तो पसीना बह रहा है। हम लोग ठंडा जगह से आया है शिलोंग से, यहाँ इतना दिन से बारिश आ रहे थे, अभी अचानक से धूप आ रहे तो बर्दाश्त नहीं हो रहे। सो अभी हम लोग अंदर से बाहर आ चुका है, हम लोग मॉल का अंदर से, क्योंकि अंदर में तो शूट करना अलाउ नहीं था थोड़ा, तो अभी हम लोग घर जाएंगे। एक्चुअली हम लोग को जो उस दिन जो हमारे साथ सिस्टर आई थी उसको वेट किया था, पर शायद वो नहीं आ पाएगी, तो उसका साथ कोई बात नहीं हो पा रहा है, तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अभी वैसे कहीं जाना तो है ना अंदर, घर ही चलते हाँ, तो अभी सीधा घर चलेंगे हम लोग। पंकज भी वेट कर रहा होगा, तो हम लोग ऊबर बुक करते हैं। हम लोग का आ चुका है ऑटो, तो अभी हम लोग चलते हैं और आपको मिलते हैं घर में। आ गया भी, आ गया। अभी हम लोग घर पहुंच गया है, तो मैं तो आने के साथ साथ पंखा में बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और मैं बहुत थक गई है। कुछ भी किया नहीं, सिर्फ हम लोग ट्रैवल किया है, यहाँ से गया और वहाँ पे जाके वापस आया, फिर भी इतना थकान लग रहा है, क्योंकि गर्मी है ना, अभी अचानक से इतना ज़्यादा गर्मी हो गया, तो गर्मी लग रहा है। तो इस वीडियो को इतना मैं एंड करूँगी, पर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो को कैसा लगा है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।